हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर IPTX स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक हमारे यूजर है मिस्टर मयंक, उन्हीं की प्रॉब्लम के ऊपर। अभी जस्ट उन्होंने मुझे मैसेज और कॉल किया है, तो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। बेसिकली वो रिपीटेड वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं, रिपीटेड वैल्यू को लुकअप करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सक पा रहा है कि पूजा यहाँ पर कई बार रिपीटेड है। वो चाहते हैं कि इनकी जो संख्या, इसे पूजा हो गया है, इस पर नीचे पूजा है, उसमें वो दोनों को कॉमा करना चाहते हैं कि 1 आ जाए, कॉमा 13 आ जाए, कॉमा फिर नीचे पूजा है तो उसका नंबर आ जाए। तो आप यहाँ भी इसको लगा सकते हैं, तो इसके लिए लेकिन प्रॉब्लम होगा यहाँ पे कि आप टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लगेगा कि टेक्स्ट ज्वाइन, और हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ट्रू देते हैं, और टेक्स्ट ज्वाइन, माफ कीजिएगा, यहाँ पे डिलिमिटर ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, और यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगा। तो बोलेंगे कि अगर ए इक्वल टू है पूजा, तो सीक्वेंस नंबर दे दे, अदरवाइज ब्लैंक। सिंपल सा ये हम लगा, देख सकते हैं आ गया। तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर बी कॉलम में पूजा के बराबर है तो लगे, तो ए कॉलम से डेटा उठा ले। अब मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको खींच करूँगा फिर ड्रैग करूँगा, बट बी टू को नहीं किया, बाकी सबको कर दिया, ये आ जाए। लेकिन ये गलत गलत तरीके, क्योंकि सेम रिजल्ट जो यहाँ है वही रिजल्ट नीचे पूजा का भी है। इस तरह की चीज़ें आप करते हो तो आपको एक यूनिक फॉर्मूला लगा के एक यूनिक लिस्ट ले आना होगा, कि सारे नाम का यहाँ पे यूनिक लिस्ट ला दीजिए। उसके बाद जो है आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे ये बेटर रहे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंग जी की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी। तो कमेंट में बताइए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे अभी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारे सिक्वेंसली रिकॉर्डेड वीडियोज विथ टेलीफोनिक सपोर्ट, ये हिमांशु जी जैसे वीडियो बनाकर सपोर्ट कर रहा हूँ, इस तरह से आपको भी मैं सपोर्ट करूँगा। थैंक यू।